नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरुण और आप मेरे साथ देख रहे हैं टेक विद अरुण। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप की कुछ नई ट्रिक्स जो आपको यूजुअली नॉर्मल व्हाट्सएप में नहीं मिलेंगी। इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा GB व्हाट्सएप, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जब आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद जो मेन ट्रिक्स का काम है वो शुरू होता है। तो आपको सबसे पहले मैं सिखाऊंगा कि इसमें आप एक पर्टिकुलर चैट को लॉक कैसे कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई प्राइवेट चैट होगी जो आप चाहते हैं कि आपका कोई फ्रेंड ना पढ़े, तो जब वो आपको बाकी सारा फ़ोन यूज़ करता है और कई बार वो व्हाट्सएप भी खोल लेता है, तो आप व्हाट्सएप पे लॉक नहीं लगाना चाहते, तो उस टाइम पे ये ट्रिक काम में आती है। तो आपको इसके लिए कुछ खास नहीं करना है, आपको बस वो पर्टिकुलर चैट ओपन करनी है और आपको यहाँ ऊपर 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, आपको इन पर क्लिक करना है और यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन आएगा लॉक कन्वर्सेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आ जाएंगे, पैटर्न, पिन और फिंगरप्रिंट। आप इनमें से किसी से भी लॉक कर सकते हैं। तो जैसे मैं पिन से कर देता हूँ लॉक, तो आप यहाँ पे कुछ भी पिन रख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप थोड़ा टफ रखिएगा क्योंकि 1 2 3 4 तो हर कोई ट्राई करता है, ये मैं जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए रख रहा हूँ। तो उसके बाद आप जब भी इस ऐप चैट को खोलेंगे तो ये आपसे पिन मांगेगा। तो जब आप 1 2 3 4 ये पिन डालेंगे तो ये चैट उसके बाद ही ओपन होगी। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये ट्रिक आपको कैसी लगी। तो चलते हैं हमारी दूसरी ट्रिक पे। तो दूसरी ट्रिक कुछ ऐसी है कि आप चाहते हैं कि आपके घर वालों को ना पता चले कि आप लास्ट कब दिखाई देते व्हाट्सएप पे। तो इसके लिए एक होता है कि लास्ट सीन हाइड कर दो, पर उस टाइम पे घर वाले बोलते हैं कि लास्ट सीन तो शो ही नहीं हो रहा। पर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर, जैसे रात को 10 बजे का आपका शो हो रहा है लास्ट सीन, और उसके बाद आप जब मर्जी चलाओ और आपका लास्ट सीन शो ना हो। तो उसके लिए भी इसमें एक ट्रिक है। उसके लिए आपको बाहर आना है चैट से और यहाँ ऊपर जाना है। यहाँ पर आपको GB सेटिंग्स मिलेंगी जो आपको नॉर्मल व्हाट्सएप पर नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको GB सेटिंग्स पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आएगा फ्रीज लास्ट सीन, जब आप इसको चेक कर देंगे तो उसके बाद आपका लास्ट सीन जो है वो उसी मोमेंट पे फ्रीज हो जाएगा जब आपने इसको अनेबल किया होगा। और जब आप चाहते हैं कि आप दोबारा इसको अनफ्रीज करेंगे तो आप दोबारा ऑनलाइन शो हो जाएंगे। तो ये थी हमारी दूसरी ट्रिक, बताइएगा आपको कैसी लगी। तो इसके बाद चलते हैं हमारी तीसरी ट्रिक की तरफ। तो थर्ड ट्रिक बहुत ही कमाल की है, इस ये उनको काम आएगी जो मोस्टली पबजी वगैरह खेलते हैं और उनको उस टाइम पे बहुत तकलीफ़ होती है कि व्हाट्सएप के मैसेजेस बार बार नोटिफिकेशन में आ रहे हैं। तो इसके लिए आप पर्टिकुलरली व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं उनको डिसेबल कर सकते हैं कि वो रिसीव ही ना हो उस टाइम पे। तो आपको यहाँ पे ये वाईफाई जैसा ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। तो जब आप इसको ऑन कर देंगे तो ये एयरप्लेन मोड पर चली जाएगी व्हाट्सएप, तो अब आपको कोई भी मैसेज रिसीव नहीं होगा। इसके लिए आप एक पर्टिकुलर और भी सेटिंग होती है, जो आप सेटिंग में जाके नेटवर्क परमिशंस को ग्रांट नहीं करेंगे व्हाट्सएप को, तो उससे भी आप कर सकते हैं। बट ये इस व्हाट्सएप में काफ़ी इजीली आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। तो इसके बाद पहुँचते हैं हम आज की आखिरी ट्रिक की तरफ। तो उससे पहले अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा अगर आप मेरी फर्दर वीडियोस देखना चाहते हैं। तो आखिरी ट्रिक कुछ ऐसी है कि आपको उसके लिए जाना पड़ेगा इधर 3 बार्स में, उधर आपको जा क्लिक करना पड़ेगा GB सेटिंग्स में और उसके बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। उसके बाद जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा चैट्स में, डिसेबल फॉरवर्डेड। तो जब आप इसको टिक कर देंगे तो उसके बाद आपके जो भी आप फॉरवर्ड करते हैं मैसेजेस, उनके ऊपर फॉरवर्डेड का टैग नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, उनके ऊपर फॉरवर्डेड का टैग जो होगा वो हट जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन है एंटी डिलीट मैसेजेस का, तो जब आप उसको चेक कर देंगे तो कोई आपकी चैट में जैसे आपको मैसेज सेंड करके डिलीट कर देता है और आपको वो मैसेज नहीं दिखाता है, तो आप वो मैसेज भी देख सकते हैं अगर आपका डाटा उस पर्टिकुलर टाइम पे ऑन था तो। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद हमारी आखिरी ट्रिक है कि आपके ब्लू टिक्स जो हैं, आप मैसेज कभी भी पढ़ लो उस व्हाट्सएप पे और आपका जब आप रिप्लाई करो उसके बाद ब्लू टिक्स लगें कि ये मैसेज इसी टाइम पे पढ़ा गया था। तो उसके लिए आपको ये थर्ड ऑप्शन है, इसको टिक करना है। तो जब आप इसके बाद मैसेजेस को रीड करेंगे सिर्फ उसके बाद ही आपका जो है वो ब्लू टिक्स लगेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ कमाल की ट्रिक्स, बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये कैसी लगी। और ऐसी ही फर्दर वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।